हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट जलेबी। हलवाई जैसी क्रिस्पी और अंदर तक रस्पी होगा और सिर्फ हम इसे 15 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जलेबी के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बर्तन ले लें, उसमें डाल देंगे 2 कप चीनी। जिससे मैंने चीनी ली है उसी बर्तन से मैं 1 कप इसमें पानी डाल दूंगी। आप कटोरी का यूज़ करते हैं तो 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी ऐड करें। अब इसमें डाल देंगे 2-3 इलायची कुटी हुई। चीनी को मेल्ट हो जाने दें। चीनी मेल्ट हो चुकी है, 1 मिनट और पकने दें। 1 मिनट के बाद इस तरीके से स्पून से आप चाशनी को लेकर चेक करें। अगर ये शहद की तरह चिपचिपी लगती है तो चाशनी बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो चीनी जमने लगेगी। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 पिंच केसर फूड कलर। आप चाहे तो रेड या येलो फूड कलर भी ले सकते हैं। मैंने 1 पिंच केसर फूड कलर को 1 चम्मच पानी में मिला के यूज़ किया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस डालने से क्या होता है, जो हमने चाशनी बनाई है वो जमती नहीं है। बस अब गैस को बंद कर देंगे। जलेबी के लिए बैटर बनाने के लिए एक बर्तन ले लें, उसमें डाल दें 1 कप मैदा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ईनो, या बड़ी चम्मच है तो हाफ ले लें। अब इसमें डालेंगे 2 पिंच खाने वाला सोडा, ऐसे चुटकी से लें और 2 पिंच ले लें। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी और मैदा को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जिससे मैंने मैदा लिया है उसी बर्तन से मैं 1 कप पानी ले लूँगी। अगर आप कटोरी यूज़ करते हैं तो जिस कटोरी से आप मैदा लेंगे उसी कटोरी से आप पानी यूज़ करें। तो मैंने पहले आधा डाल दिया है, बाकी भी डाल देंगे और 2 या 3 मिनट के लिए हम अच्छे से फेंटेंगे इसे। तीन मिनट हो चुके हैं, अच्छे से फेंट लिया है मैंने। तो अब मैं स्पून से दिखाती हूँ आपको, इस तरीके का बैटर चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 1 पाइपिंग बैग। आप चाहे तो दूध की थैली या कोई भी सॉस की बॉटल जो होती है वो ले सकते हैं। बैटर को इसके अंदर डाल लें। चाशनी को मैंने एक खुले बर्तन में कर लिया है और एक पैन में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं जलेबी। तो ध्यान रखिए, चाशनी को बराबर में रखना है। जब आप फ्राई करेंगे तो तुरंत ही जलेबी को आपने चाशनी में डिप करना है, ताकि चाशनी जलेबी के अंदर अच्छे से जा सके। तो ये पाइपिंग बैग ले लेंगे और इसको हम काट लेंगे आगे से। जितनी मोटी चाहिए या पतली चाहिए उतना आप इसे काट लें। बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। और ये आप देख सकते हैं, जब हम इसमें डालेंगे तो तुरंत ही ऊपर आएगी, ये इसका साइन है। ये एकदम परफेक्ट बनेगी, ये चपटी नहीं बनेगी और एकदम करारी बनेगी। तो फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर इसे। और चिमटे से, जिससे हम रोटी सेकते हैं उसी चिमटे से आप इसे इस तरीके से पलट दें। 2 जलेबी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छा कलर आ गया। जितना कलर आपको देना है, हल्का या डार्क, जितने आप इसको कलर देंगे उतना ये क्रिस्पी होगा। ये आप देख सकते हैं, मैं स्पून से दबा रही हूँ ताकि चाशनी अंदर तक जा सके। अगर आप ऊपर ऐसे छोड़ देंगे तो पूरी चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी। तो ये बाकी भी फ्राई हो चुकी है दोनों, वो भी चाशनी में डाल देंगे। इसी तरीके से बाकी जलेबी अभी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। बस आपको ध्यान करना है कि मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें, हाई पे या लो पे ना करें। आप देख सकते हैं, जब मैं जलेबी डाल रही तो तुरंत ऊपर आ रही है। तो जो हमने पहले जलेबियाँ डाली थी चाशनी के अंदर, उन्हें बाहर निकाल लेंगे ताकि जो दूसरी हमने फ्राई की है वो इसमें डाल सके। जब आप जलेबी को चाशनी में से निकालें तो इस तरीके की कोई भी छन्नी ले लें और उसके नीचे एक बाउल रख लें। सारी जलेबी इस छन्नी में निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो सारी बाउल में चली जाए। इनको हम साइड में रख देंगे और जो हमने दूसरा बैच जो हमने फ्राई किया है उनको देख लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अच्छा कलर आ चुका है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जितना आपको फ्राई करना है, जितना आपको कलर देना है आप दे सकते हैं, जितना आपको पसंद है क्रिस्पी जलेबी। तो इसी तरीके से हम बाकी जलेबी अभी बनाकर तैयार कर लेंगे। बस आपको कुछ बातों का ध्यान करना है। बस जलेबी फ्राई करते समय मीडियम फ्लेम रखें और फ्राई करने के बाद तुरंत चाशनी में डाल दें उसे।
और ये आप देख सकते हैं सारी जलेबी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। एक जलेबी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कितनी क्रिस्पी बनी है और गोल है और अंदर तक चाशनी है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी है, अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर तक चाशनी है और ये एकदम गोल बनी है, चपटी नहीं बनी है, ये एकदम परफेक्ट है जलेबी। जिस दिन मैंने ये जलेबी बनाई थी उसके दूसरे दिन तक ये क्रिस्पी बनी रही। यकीन मानिए इतनी परफेक्ट जलेबी और इंस्टेंट सिर्फ 15 मिनट में बनाकर तैयार कर ली थी ये जलेबी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।